नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। गंज बसौदा ग्यारसपुर हैदरगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी निशक जैन ने विशाल अपार जन समूह के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सुबह से ही नगर में आसपास ग्रामीण क्षेत्र और नगर से हजारों कार्यकर्ताओं का समूह धर्मकाटा शिव मंदिर पहुंचा, जहां हजारों की संख्या में विशाल रैली निकालकर जिसमें टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रैक्टर ट्रॉली, डीजे की धुन पर नाचते गाते कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी निशंक जैन द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया और नगर में एक विशाल जुलूस निकाला गया। ये जुलूस पहली बार देखने को मिला, जिसमें महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस, नगर कांग्रेस और नगरवासी भारी संख्या में मौजूद रहे। ललित सोनी की रिपोर्ट। चुनाव तो मध्य प्रदेश की पूरी जनता और गंजबासोदा विधानसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है, आप लोग भी लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में जबरदस्त परिवर्तन है। गंजबासोदा विधानसभा क्षेत्र में तो परिवर्तन की आंधी है, क्योंकि गंजबासोदा विधानसभा क्षेत्र की जनता अमन और शांति चाहती है, भय और आतंक से मुक्ति चाहती है और कमलनाथ जी के 15 महीने के शासन पे विश्वास है। 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की वादागिलाफी, जबरदस्त बेरोजगारी, जबरदस्त महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान विरोधी सरकार, इतने मुद्दे हैं कि मैं 2 घंटे तक अकेला इसी पे बोल सकता हूँ। 18 साल की इनकी नाकामियों पे और 15 महीने की उपलब्धियों पे, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में और पूरे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का मेरे सिर पर आशीर्वाद है और हम सब कार्यकर्ता एक दूसरे के सहयोग से चुनाव मैदान में। बीजेपी ने पुराने प्रत्याशी को पुनर्, यदि प्रत्याशी पुराना है तो नतीजे भी पुराने होंगे और उससे बेहतर होंगे।